आप देख रहे हैं बी न्यूज। खबर गांव की हो, खबर शहर की हो, खबर पूरी दुनिया की हो, हम आपको दिखाते हैं हकीकत। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी। खबर उत्तर प्रदेश की बनारस जनपद से। आपको बता दें कि पंडित क्षेत्रलाल मिश्रा के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन हुआ। इस पुस्तक के लिखने में लगभग 10 साल लगे हैं। इस पुस्तक को उनकी पुत्री नम्रता मिश्रा ने लिखी। इस पावन पर्व पर संगीत संध्या आयोजन किया गया, जिसमें सितारा वादक वंद्रा मिश्रा, अमेंद्र मिश्रा व तबला पर श्री आदित्य मिश्रा शास्त्रीय संगीत के माध्यम से खूबसूरत क्षणों को बांधे रखा। कार्यक्रम में पंडित छात्रलाल मिश्रा चैरिटी ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय के कुलपति राजा राम शुक्ला के साथ ही महंत संकट मोचन वीरभद्र मिश्रा के अलावा पंडित राजन सज्जन मिश्रा मौके पर मौजूद रहे। अपना पूरा नाम, पूरा परिचय बता दीजिए। जी, मैं डॉक्टर नम्रता मिश्रा, पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी की पुत्री हूँ और साथ ही मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ म्यूजिक वोकल डिपार्टमेंट में RCA विमेंस कॉलेज मथुरा में। मैडम, क्या बड़ा कठिन कार्य था पुस्तक लिखना है? जी, इस पुस्तक का शीर्षक है संगीत संत पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र, और उनका जीवन कितना कष्ट भरा रहा है, उन्होंने संगीत की शिक्षा कितनी मुश्किलों से पाई और किस तरह से आजमगढ़ के हरिहरपुर गांव से निकल के आज वो विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, इसकी पूरी कहानी है इसमें। और जितना मैंने पिताजी को देखा है बचपन से, वो सारी चीज़ें मैंने अपना अनुभव लिखा है इसमें। और आशा करती हूँ कि ये हमारे आने वाली जो युवा पीढ़ी है संगीत जगत में, उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। और मेरा परम सौभाग्य था कि आज के इस विमोचन समारोह में सभी गणमान्य अतिथि थे और मैं कैसे धन्यवाद दूँ इनको। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी हैं, जो कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, सॉरी कुलपति हैं, माफ़ी चाहती हूँ, कुलपति हैं। साथ ही पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र जी भी हैं यहाँ पे, और आपके साथ महंत पंडित वीर विशंभर नाथ मिश्र जी भी इस समय हमारे साथ हैं, जो कि संकट मोचन मंदिर के महंत हैं, और भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बहुत सारे प्रोफेसर्स और बनारस के बहुत गणमान्य अतिथि हमारे साथ हैं। खुद अपने आप में आपको ये सोच आई कि उनके ऊपर पुस्तक लिखी जाए? देखिए, जब से होश संभाला है तब से मैं जब भी पिताजी की बातें सुनती थी तो मुझे लगता था कि ये बात सबको मालूम होनी चाहिए। ये ज्ञान की बातें, ये अध्यात्म की बातें जो कभी किसी पुस्तक में नहीं पढ़ी, वो सबको मालूम होनी चाहिए। लेकिन पहले आइडिया नहीं था, इतना समझ नहीं थी कि कैसे इसको लाना है सबके सामने। और 10 साल पहले मैंने सोचा कि एक पुस्तक के माध्यम से मैं ये आगे अपने देश के लिए एक निधि के रूप में रखना चाहूँगी, और 10 वर्ष का समय लगा मुझे। डेटा कलेक्शन से काम शुरू किया, उसके बाद ही उसे पुस्तक के रूप में यहाँ पे आज मैं लेकर आई हूँ। इसके लिए मैं अपने भगवान का, अपने गुरु महाराज का और अपने गुरु पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। पिताजी आज काशी की जो संगीत परंपरा है उसके पर्याय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बनारस के ठुमरी चैती कजरी इसके स्तंभ माने जाते हैं पिताजी। उनकी विशेष पहचान है यहाँ बनारस की संगीत परंपरा, और मैंने इस पुस्तक में उसके विषय में काफ़ी विस्तार से लिखा है कि कैसे पिताजी ने संगीत की शिक्षा ली, कहाँ से प्रारंभ किया, उनके गुरु कौन है, आध्यात्मिक गुरु कौन है, उन्होंने सिद्धांत पक्ष किससे सीखा, कैसे पढ़ाई की और आज वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये सारी बातें उसमें हैं। संगीत और अध्यात्म पर विशेष उनका बल रहा है, वो जब भी सत्संग करते हैं तो वो अध्यात्म और संगीत को जोड़कर बताते हैं। तो इसलिए मैंने पुस्तक का जो शीर्षक है वो संगीत संत लिखा है, और आशा करती हूँ कि आप लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो उसमें कितनी गुड़ बातें हैं जो कि हम। ये तो बनारस से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।